ना तो प्रेमा नंद ये क्या होगा ज्योतिरंजन एंड वेलकम बैक डे 3 ऑफ कोरापुट। आज आम कोरापुट शेष दिन एवं आम होटल चेकआउट करी बस रे जयपुर जवा एवं सेठारु बाइक जोगे गुप्तेश्वर जवा तो चलो तो जल्दी जल्दी चेकआउट करदे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बर्तमान रेडी सारी एवं गुप्तेश्वर जवा एंड होटेल टू चेकआउट भी सारी बाइक कारेन्स हो जयपुर जाठू जी एवं टी टीफिन करदे दे बाहर जलखियाटा सारापर आम चलू बस स्टाण एम स्टाण्रे अपेक्षा करूँ बस पाई एवं आमको बस मिल सारी तो पाखापाखि गोटे घंटा पर आम जयपुर में पहुँचू और तापर बाइक धरिकी बाहरी पड़ल गुप्तेश्वर एवं आम रास्ता को चल तो एंजय कर जयपुर रु गुप्तेश्वर रास्ता नियर 60-70 किलोमीटर्स एवं जंगल भितर जेहेतु रास्ता रही व्यू गुड़ा बहुत बढ़िया रहा एवं आम बाइक जोगे जाऊँ पाखापाखि तीन घंटार समय लगे और आम गुप्तेश्वर गेट क्रॉस कलु एवं फोटो सुट चलता आम मंदिर को बाहर आसला बेलू आम फाइन देखिए आसलू कहीं हेलमेट आनी नु हजार टाँग फाइन देखिए आसलू तेना चलतु जहाँ भी दुख रहा बुले कि पी मंदिर देखा गुप्तेश्वर गेट रु गुप्तेश्वर देवों मंदिर पाखापाखि 10-15 किलोमीटर रही है गोटे डाल खाई ठाकुराणी पड़े जोटि खंडे डाल चढ़ाइले मनस्कामना पूर्ण हुए आम गुप्तेश्वर भितर को 10 टंका रे टिकेट काटी भितर को एंट्री कलु एवं पार्किंग रे गाड़ी को रखिलु तापर आम पादर चली चली आगको जीवा एवं दि साइड रे जो भोग दुकान अछि ताको एंजॉय करी करी आगको जाउछु। आज सोमवार रहितबारु बेसी गहली अछि एवं बहुत गहली अछि आम एबे प्रथम द्वार रे पहुँच सारछु एवं चालंतु जीवा भितर भितरक जबार रास्ता बहुत ही अंधार अच्छी एवं जगह मध्य बहुत कम अच्छी आंठी आंठी भितर को जवाक पड़ी एवं से जो भी आसने आंठी आंठी आसुच्ची निश्वास रंग असुविधा हो चलन देखिए भितर कौन अच्छी प्रथम द्वार बाबा नंदी पाखर देखा करने फेरू एवं एवं जावा गुप्तेश्वर ठाकुर को देखा करने ये बहुत ही लंबा लाइन अच्छी जेहतु सोमवार रही प्रबल लाइन अच्छी लाइन रे छिड़ा है ही आमको आगे जावाक पड़ो। ये हूँ गुप्तेश्वर मेन गेट जोटा कि अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छी यापर ये कम्प्लीट हो गले बहुत ही सुंदर देखा जीवो। तो चलो तो आम भितर को जी गुप्तेश्वर को दर्शन कर सारे आम बाहर पाराबेड़ा गुंफा और स्वर्गद्वार गुंफा तो ये आदिवासी रही पाखापाखि कि अच्छा आदिवासी घर कराखे अच्छी प्रथम पड़े स्वर्गद्वार गुंफा और चलो देखा स्वर्गद्वार गुंफा भितर कौन अच्छी स्वर्गद्वार गुंफा को सप्तकणी गुंफा बा कालीगाई गुंफा ना क्या ये जो सुड़ंग भाई रास्ता अच्छी रास्ता कहा जाए पूरा पहाड़ ऊपर ही बाहर एवं ये रास्तार ऊपर को जीवा बहुत रिस्की कहीं ऑक्सीजन लेवल बहुत कम थाए तो ऊपर को जीवा बहुत असुविधा होता है। स्वर्गद्वार गुंफा देखि सारे आम चलू पाराबेड़ा गुंफा आड़ को एवं डिटेल्स ये गुंफार भिड देखापी डिस्क्रिप्शन और आई बटन रिंक अच्छी आप देखिपर।
ଆମେ ସେଠି ଦେଖିକି ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା, ଇଏ ହେଉଛି ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ପାରାବେଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ତା ବି ଶୁଣିଲୁ ଆମେ କି ଏ ଭିତରକୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ତଳକୁ ଖାଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ପାଣି ଝରେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଓଦା ଅଛି ଏବଂ ପାଦ ଖସୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ପାଣି ଲିକ୍ କରୁଛି। ନାନୀ ଆମର ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଝରଣା ଆଡ଼େ। ଝରଣା ଟିକେ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆମକୁ ଜୟପୁର ଯାଇକି ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଖାଇବା ଅଛି ହେଲେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜୟପୁରରେ ଯାଇ ଖାଇବା ଖାଇବୁ। ଫେରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ। ଗୁମ୍ଫାଟି ମାଟି ଭିତରକୁ ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ତଳକୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଆଡ଼େ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୁରା ଗୁମ୍ଫାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବଜାର ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପରେ ଆମେ ଜୟପୁର ଟାଉନକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇ ବଟନ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।